हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडीवी एजुकेशन पॉइंट। और आज हम डिस्कस करेंगे रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है? रिव्यू ऑफ लिटरेचर आज हम आपको यहाँ पे बताएंगे, और साथ में अगर आपको इसका सैंपल चाहिए कि किस तरह से हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसके ऊपर दूसरी वीडियो जरूर लेकर आएंगे। जो लिटरेचर रिव्यू होता है वो इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो आपके जो सोर्सेज हैं, आपने जहां से अपनी रिसर्च की है या आपने रिसर्च करते समय किसी पार्टिकुलर टॉपिक को वहां से सर्च किया है, ये उनका क्या करता है, एक ओवरव्यू देता है, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देता है कि आपने जो है किस तरह से किस एरिया में आपने स्टडी की है और उनको आप अपने रिसर्च के अंदर इंक्लूड करने जा रहे हैं। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? ये क्या होता है, एक साहित्य से संबंधित जो है दस्तावेजों का एक रिकॉर्ड होता है जो हमारे रिसर्च कार्य को करने में हमें आवश्यक सामग्री क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इसको क्या करते हैं हम रिसर्च के लिए जो है सहायक जो लिखित और मौखिक सामग्री हमें चाहिए होती है, ये भी कह सकते हैं कि लिटरेचर रिव्यू क्या करता है, हमें जो रिटर्न होती है, जो ओरल होती है सामग्री, वो हमें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए कि जो सर्वे बुक्स होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, कोई थ्योरी होती है, ऑडियो वीडियो न्यूज न्यूज आर्टिकल है, न्यूज क्लिप है, डायरी है, रजिस्टर है। तो ये सारी की सारी क्या है, जैसे किसी भी चीज की समरी है या थ्योरी है या कोई किसी ने कोई कार्य किया है या पार्टिकुलर कोई इश्यू है, ये क्या है, सारी की सारी रिव्यू ऑफ द लिटरेचर है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, बेसिकली जो पहले हमसे पहले यानी कि हम जो रिसर्च करने जा रहे हैं उनसे पहले जो कार्य हुए हैं उनकी डिस्क्रिप्शन, समरी या क्रिटिकल इवेल्यूएशन हमें प्रोवाइड करवाता है। तो ये क्या होता है, किसी भी जो सोर्स होता है उसका क्या होता है, ओवरव्यू प्रोवाइड करवाता है, या आप इसको कहते हैं किसी भी सोर्स का ये ओवरव्यू होता है जिस रिसर्च कार्य को आपने अपने कार्य को करते हुए एक्सप्लोर किया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि लिटरेचर रिव्यू के अंदर क्या क्या होता है। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, मे कंसिस्ट ऑफ सिंपली समरी ऑफ की सोर्सेज, जहां जहां से आपने अपना डाटा लिया है। बट इन दी सोशल साइंसेज के अंदर लिटरेचर रिव्यू यूजुअली हैज एन ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न एंड कंबाइन बोथ द समरी एंड सिंथेसिस ओपन विद इन स्पेसिफिक कंसेप्चुअल कैटेगरी। ये जो रिसर्च प्रपोजल होता है ये क्या करता है, समरी रखता है, जो काम जो है इस पे किया गया, किसी भी कोई भी रिसर्च हुई है उसकी समरी ये प्रोवाइड करवाता है। बट सोशल साइंसेज के अंदर क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू का जो है एक ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न होता है जो समरी के साथ साथ सिंथेसिस भी जो है कंबाइन करता है कि किस जो है स्पेसिफिक कंसेप्चुअल कैटेगरी के अंदर से आपने ये चीजें ली है। लिटरेचर रिव्यू के फीचर क्या होते हैं, ये एक न्यू इंटरप्रिटेशन देता है ओल्ड मटेरियल की, कंबाइन करता है न्यू को विद ओल्ड इंटरप्रिटेशंस के साथ, ट्रेस करता है ये इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेशन को जो किसी भी फील्ड में हुई है, इंक्लूडिंग मेजर डिबेट्स, जिसके अंदर मेजर डिबेट्स भी जो है शामिल होती हैं, और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है ये इवेल्युएट करता है सोर्सेज को और एडवाइस देता है रीडर को कि किसी भी जो है रिलेवेंट रिसर्च के ऊपर या पर्टिनेंट टॉपिक के ऊपर जो कोई दो रिसर्च होती है तो उनके बीच का गैप भी जो है क्या है, लिटरेचर रिव्यू से हमें पता चलता है कि किस रिसर्च के को करने में और किसी दूसरे रिसर्च को करने में कितना गैप था। पर्पस क्या होता है लिटरेचर रिव्यू का, प्लेस इट्स वर्क इन द कंटेक्स्ट ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन। किसी ने कोई काम किया है उसको अपने स्थान पर रखते हैं और उसको क्या करते हैं कि एक पैटर्न फॉलो करते हैं, कोई भी पैटर्न हम फॉलो कर लेते हैं लिटरेचर रिव्यू को लिखते टाइम, और जिस किसी ने कोई काम किया है उसका कंट्रीब्यूशन का क्रेडिट हम उनको देते हैं किसमें, लिटरेचर रिव्यू में, और डिस्क्राइब करते हैं रिलेशनशिप ऑफ इच वर्क, किसी भी कार्य की जो रिलेशनशिप है किसी अदर कार्य से, जो भी कोई दूसरा काम हुआ है रिसर्च पखा, तो उन दोनों की रिलेशनशिप क्या है, ये भी हम लिटरेचर रिव्यू के अंदर दिखाते हैं। और ये लिटरेचर रिव्यू क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है न्यू वे टू इंटरप्रेट प्रियर रिसर्च, जो पहले रिसर्च है उनको इंटरप्रेट करने का एक न्यू वे भी जो है आइडेंटिफाई होता है। ये किसी लिटरेचर के अंदर कितना गैप है उसको दिखाता है, ये क्या करता है रिसोल्व करता है कॉन्फ्लिक्ट्स को, जो आपने कॉन्ट्राडक्टरी देखे हैं उसके अंदर, जो प्रीवियस स्टडी हुई है उसके अंदर रिसोल्व करता है कॉन्फ्लिक्ट्स अमंगेस्ट सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीवियस स्टडीज, आइडेंटिफाई करता है एरिया ऑफ प्रीवियस स्कॉलरशिप का, टू प्रिवेंट करता है डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, या फिर पॉइंट द वे इन फुलफिलिंग ए नीड ऑफ एडिशनल रिसर्च फॉर ए एडिशनल रिसर्च, लोकेट यूर ऑन रिसर्च विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर। कि हम आपको बताते हैं कि क्या करता है
ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये जो लिटरेचर रिव्यू होता है ये ओल्ड मटेरियल की न्यू मटेरियल से जो है इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करता है, ओल्ड की न्यू के साथ जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या करता है प्रोवाइड करता है, ये मोस्ट रिलेवेंट सोर्स भी आपको प्रोवाइड करता है। एक रिसर्च करे की दूसरे रिसर्च करे से जो है क्या करता है रिलेशनशिप को शो करता है। रिसर्चर का लिटरेचर के अंदर कंट्रीब्यूशन दिखाता है कि किस रिसर्चर ने कितना जो है किसी भी उस लिटरेचर में कंट्रीब्यूट किया है, कितना काम उसने किया है। रिसर्च के गैप की नॉलेज, यहाँ पे ये पॉइंट आया है कि रिसर्च के गैप रिवील एनी दैट एग्जिस्ट इन द लिटरेचर, की रिसर्च के जो गैप की नॉलेज है वो हमें किससे मिलती है, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर से मिलती है। जो पहले हुई कोई रिसर्च है उसको इंटरप्रेट करने का न्यू वे कौन प्रोवाइड करता है, रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड करता है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या किससे मिलती है हमें, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर से। रिव्यू ऑफ द लिटरेचर ही हमें क्या करता है ये चीजें प्रोवाइड करवाता है, और कोई भी एडिशनल जो नीड है रिसर्च की वो भी हमें रिव्यू ऑफ द लिटरेचर से मिलती है। और ये लोकेट करता है हमारी अपनी रिसर्च को कि हमारी जो अपनी रिसर्च है विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर। नेक्स्ट इसके देख लेते हैं टाइप क्या होते हैं लिटरेचर रिव्यू के। जो लिटरेचर रिव्यू होता है वो हर एक रिसर्च का अपना अलग अलग होता है, और लिटरेचर रिव्यू के कई टाइप होते हैं, जैसे आर्गुमेंटेटिव रिसर्च रिव्यू होता है, या फिर वो होता है इंटीग्रेटिव रिव्यू होता है, हिस्टोरिकल रिव्यू होता है, मेथोडोलॉजिकल रिव्यू होता है, सिस्टमेटिक रिव्यू होता है, और थ्योरेटिकल रिव्यू होता है। इनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डीपली जो है डिस्कशन करेंगे इनका कि किस तरह के ये जो है रिव्यू होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई क्यूरी है, आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।